जा रहे हैं। वॉर कोई नहीं है, यहोवा संवाद है, जिसे इसराइल हमास का बिन लादेन कहता है। उसी के एक इशारे पर इसराइल में आतंक की इबारत लिखी गई। अब उसे ठिकाने लगाने के लिए नेतन्याहू बेताब है। इसराइल उसके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ गाजा में हमले भी कर रहा है। इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा में हमास का बिन लादेन। नेतन्याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चेहरा है जिसे इज़राइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वो चेहरा है जिसने इज़राइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंकियों को हैवानियत के हदें पार करने की हिदायत दी। इसका नाम है याया सिनवार। गाजा पट्टी में जब इसराइल ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था और एक एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त बहुत ही बेसब्री से अगर किसी के खात्मे का इंतजार इसराइल की सेना को है तो वो है याया सिनवार। याया सिनवार वो दिमाग है जिसने मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर इसराइल पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया, और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं लगी। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपने इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सिनवार और दईफ ने ईरान से फंड हासिल किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इसराइल पर हमला करने वाला है। यही वजह है कि याया सिनवार को इसराइल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है। हमास का शैतान दिमाग 60 साल का याया सिनवार गाजा में हमास का हेड है। सिनवार ने इसराइल की जेल में बिताए हैं 24 साल। 2011 में एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इजरायलियों का कातिल, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। हमास के मिलिट्री यूनिट का चीफ है सिनवार। इसराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इसराइल पर 9/11 जैसा हमला है, और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो है याया सिनवार, और वो अल कायदा की तरह हमास का बिन लादेन है जिसे किसी भी हाल में इसराइल ढेर करने की कोशिश में जुटा है, और इसी के लिए इसराइल गाजा में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए गाजा के कुछ इलाके में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तरी गाजा में इसराइल 3 तरफ से हमला करने वाला है। समंदर, आसमान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है, और इसराइल किसी भी हाल में उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इसराइल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची। वासाहिब अज़मर या हाइड।